अक्षय कुमार की फिल्म रोबोट 2.0 की हाल ही में रिलीज डेट फाइनल हुई है और रिलीज तारीख रखी गई है 29 नवंबर 2018। दोस्तों, इस रिलीज तारीख को लेकर कई सारे सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं, क्योंकि इस पे ना कोई हॉलीडे है बल्कि कई फिल्मों ने ये तारीख पहले ही रिलीज कर रखी थी। लेकिन जैसे ही रोबोट 2.0 की रिलीज तारीख ये तय हुई है, कई फिल्मों में कोहराम मच गया है कि रोबोट ने उनके साथ में सही नहीं किया। जैसे कि केदारनाथ और स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 पे खासा फर्क पड़ने वाला है। हो सकता है ये लोग अपनी रिलीज तारीख को आगे पीछे भी कर ले, क्योंकि रोबोट के आगे आना किसी के बस की बात नहीं है। रोबोट की ये तारीख अब की बार चेंज भी नहीं हो सकती, क्योंकि लगातार अपनी रिलीज डेट को बदल रही रोबोट 2.0 इस बार अपनी तारीख के साथ में कोई भी खिलवाड़ नहीं करना चाहती। तो इस बार ये तय तारीख है कि रोबोट तो अपने तय समय पर रिलीज हो ही जाएगी, क्योंकि अक्षय कुमार, रजनीकांत, डायरेक्टर शंकर सभी इस तारीख को लेकर आश्वस्त हैं और फिल्म को हिट करने में कोई भी वो समस्या या फिर कोई भी करार नहीं छोड़ना चाहते। देखना ये होगा कि रोबोट 2.0 29 नवंबर को बिना हॉलीडे के कितना कलेक्शन करती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में रह दें, सब्सक्राइब करें देखो देखो।